दिल्ली की जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि लोक सभा 2019 के विच दिल्ली किन जिताना चाहते हैं। मोदी आनी चाहिए, बीजेपी। कांग्रेस की ठीक लग रही है इस टाइम। केजरीवाल साहब मैक्सिमम सीटें तो बीजेपी की आएगी। केजरीवाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭਸੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕਾ ਮੂਡ ਜਾਣੇਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਸੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਮੋਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ। क्यों लगता है, आपसे शुरू करेंगे, क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी आने चाहिए? क्योंकि उसका गट्स है, जो उन्होंने अभी सर्जिकल स्ट्राइक की है उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। और आई थिंक जो दो स्ट्राइक हुई है अभी तक, और वो उन्हीं की जो ईयर एज है उसके अंदर हुई है, तो मुझे लगता है कि उन्हें आना चाहिए। उससे अच्छा बेटर पर्सन कोई नहीं है। सेम है यार, मुझे भी यही लगता है कि जितना आज तक उन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया है उतना कोई किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया। और आई वॉन्ट के वो मतलब उन्होंने हमारी कंट्री में थोड़ी बहुत भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है। जैसे कि ये जो जीडीपी तो डाउन गई है, बट वो सिर्फ हमारी कंट्री का इसीलिए गया ना क्योंकि जो हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो पाई अच्छे से। लेकिन उसने ओवरऑल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जीडीपी जो डाउनग्रेड, बट स्टिल उन्होंने कुछ कुछ सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है ना, जस्ट लाइक इतने फ्लाई ओवर और ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। तो आई थॉट के आप एजुकेशन से जुड़े हैं, आप सब है ना, आप सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में एडमिशन पॉलिसीज के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म हुआ है, क्या लगता है? मैं आपको जीडीपी के ऊपर बताना चाहता हूँ। ऐसा है कि अभी हमने 2016 में हमने डीमोनेटाइजेशन करा था, उस टाइम देश के पास पैसा नहीं था। उसके बाद जीडीपी की जो आप ग्रोथ है वो रुकी रही, धीरे धीरे ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन इस टाइम 7 point something है ग्रोथ जीडीपी की। और हमारी जो जीडीपी है वर्ल्ड में सिक्स रैंक पे है, और जो पीपीपी है वो मतलब थर्ड रैंक पे, तो ये तो अच्छी ही है। हमारी जीडीपी चाइना से ज़्यादा है इस वक्त। आप कौन से, आप किस फील्ड के स्टूडेंट हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग वाले इकोनॉमिक्स की बात नहीं, वैसे जो न्यूज़ में आता वो चीज़ें देखते हैं हम। बाकी रहा जाए, हमने इस बार वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ, अब हम किसी भी देश में जाके अपनी एक पहचान बता सकते हैं कि हम इंडिया से हैं, और वहाँ हमारा स्वागत होगा चाहे कोई सा भी देश हो। ऐसा बहुत सारे देशों के साथ नहीं होता है। और ये भी है कि हमारी जो सेना है उसका भी नाम है, और जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारी वजह से सिक्योर हैं। बाकी देशों में भी हम अपनी सेना भेजते हैं, जैसे बलूचिस्तान में भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी एक रेवोल्यूशनरी नेता है। इनके अलावा मैं मानता हूँ कि इंदिरा गांधी भी बहुत रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन बारे में बात करेंगे एजुकेशन से। आप सब आप पास में है, एजुकेशन से आप लोग जुड़े हैं, क्या लगता है कि एजुकेशन के अंदर क्या एक रिफॉर्म आया है? आपने एडमिशन सब ले लिया, थोड़ा सा एक आइडिया अभी तो हम अभी अप्लाई हाँ अभी हमने 12th पास आउट की है, तो हमें अभी एडमिशन लेना है। हाँ जी, क्या लगता है कॉलेज आने वाले टाइम में कॉलेज में ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा ही ऑब्वियसली। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, आप सब आगे जाके अभी पास आउट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, क्या लगता है कि किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट आप करना चाहेंगे? गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में? अगर गवर्नमेंट में तो क्या लगता है कि आपके लिए वैकेंसीज बची? गवर्नमेंट जॉब करेंगे, वैकेंसीज होंगी अगर हम मेहनत करेंगे तो। अगर रिजर्वेशन हट जाएंगी तो ऑब्वियसली ज्यादा भरेगी, बिग पॉइंट। और मैं खुद हम सबके सब जनरल कैटेगरी के हैं, तो हम सोचते ही नहीं है उस फील्ड में जाना गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, क्योंकि अब रिजर्वेशन के कारण नहीं होगा। हाँ जी, सेम है, मेरे को भी यही लगता है कि जो भी ये रिजर्वेशन वगैरह जो होती है अगर वो सब ना हो तो बेटर होगा, कि फिर ऑलमोस्ट जितने भी है उनको सेम, बट पार्शियल नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी,
सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए रिजर्वेशन के ऊपर. ठीक है, आप सब लेट हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आप हमसे जुड़े. रिजर्वेशन ऐसा है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा देखा जाए कि आप किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में देख लें तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ फिक्स रेशियो में सीटें होती हैं. ओबीसी कुछ सीटें होंगी, जनरल की कुछ सीटें होंगी, आपकी एससी एसटी की भी, इन सब से कुछ मैटर नहीं करता. मैटर यहाँ करता है कि हम किस जगह जाना चाहते हैं. जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में आजकल इतनी सारी कंपनियाँ, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा 200 समथिंग कंपनियाँ इंडिया में आ रही हैं जो चाइना में थी पहले, तो वो सारी जॉब ही आएंगे हमारे यहाँ पर. तो उसे हम ऐसा नहीं सकते कि जैसे उन्होंने जो 2014 का मैनिफेस्टो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स देंगे और बाकी बोला जाता उन्होंने नहीं दिया. ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स दी. आप प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं. और एक और रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो टैक्स पेयर हैं 1% ही हैं, तो गवर्नमेंट जॉब कितनी निकलेगी आप खुद बताइए कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कितनी निकाल सकता है गवर्नमेंट में कितनी. अब हम बस सारी गवर्नमेंट जॉब्स तो रख नहीं सकते, लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं. स्टार्टअप इंडिया है, वहाँ से भी अपना कर सकते हैं. हमें स्किल सीखनी चाहिए, स्किल से ही तो इंडिया ग्रोथ करेगा, और किसी कर सकता है. डिप्लोमेसी एक होती है लेकिन स्किल भी होनी चाहिए इंडिया के अंदर. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू. नॉर्थ वैसट इलाके के विच ही है, दिल्ली जी की जनता का मूड चैक करन आए हैं कि मूड है. और ऐसे इलाके तो हंसराज हंस जड़े है वो भी बीजेपी के टिकट तो खड़े ने. आओ लोगों के नाल गलबात करते हैं. नमस्कार जनाब, सब आप सभी को हमारी तरफ से सादर प्रणाम. क्या लगता है इस बार क्या मूड है इलेक्शन का, दिल्ली का क्या मूड है? दिल्ली में तो कुछ कह नहीं सकते जी, अभी जो प्रबंधन शुरू नहीं हुआ कुछ भी. तो जो केजरीवाल साहब हैं उनका तो एक ही है, बस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाना है. अगर इससे पहले 70 साल तक कांग्रेस और सेंटर में भी स्टेट में भी रही है तो उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया. वैसे और वो चाहते तो कर सकते थे अपने आप, क्योंकि दोनों तरफ उनकी पावर थी. यानी आप उस मुद्दे से सहमत है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए? मैं सहमत नहीं. क्यों सहमत नहीं, आपको क्या लगता? देखो ऐसा है, दिल्ली ये स्टेट नेशनल कैपिटल, ठीक है ना, और नेशनल कैपिटल जो है कभी स्टेट नहीं हो सकती जगह. तो इसलिए जो है वो 70 साल में भी बहुत सारी पार्टीज की गवर्नमेंट रही है, उनको पता नहीं था कि अभी स्टेट बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए. मैं तो इस मुद्दे से सहमत नहीं हूँ. नेशनल कैपिटल की बात तो नहीं, नेशनल कैपिटल है उसकी वजह से नहीं, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है इसकी वजह से. क्योंकि बाद में जो हिंदी में हम कह देते हैं कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, संघ शासित प्रदेश है कि यूनियन टेरिटरी नहीं है. इट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है ना. ये मैं होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ, मुझे पता है इसका इशू क्या रहा है. रामायण टाइम में इसका बनाया गया था इसका, तो उसको यही बनाया क्योंकि ये नहीं बन सकती. अगर ये मान लो बन जाती है, इस कैपिटल बन जाती है, वो स्टेट बन जाती है, तो क्या होगा? झगड़ा रहेगा. कोई मान लो किसी कंट्री का आया प्रेसिडेंट तो स्टेट तो कह दीजिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंट्रल जाने, ये वो जाने जी वो जाने. और जो हमारे केजरी साहब है, केजरीवाल, ये तो कई बार कह देते हैं कि हमारा मतलब नहीं है. तो ये आपसे नेशनल कैपिटल वो नहीं बननी चाहिए, ये स्टेट नहीं बननी चाहिए, ये जो स्टेटस है इसका वो ही रहना चाहिए जगह. आपको क्या लगता है पूर्ण राज्य के बारे में? आप क्या? पूर्ण राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है. क्योंकि एक तो कैपिटल है और बहुत सारी चीजें हैं जो लीगली और हर चीज से ना बहुत फायदा होगा हमें पूर्ण राज्य. पूर्ण राज्य से फायदा क्या होगा? यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपको सारी चीजें मिल ही रही हैं. तो इसमें फायदा नुकसान की कोई बात नहीं, जो चीज ऐसी है वैसी रहेगी दोनों केस में. क्या लगता है कि पूर्ण राज्य पुलिस की बात हो रही है? देखिए पूर्ण राज्य तो नहीं, ऐसा है पुलिस तो अपना काम करती है हमेशा से, और पुलिस भी अंडर में ही है, ऐसा कुछ नहीं है. ये तो एक ब्लेम लगाने वाली बात है हमेशा. अदरवाइज केंद्र तो पूरा सपोर्ट कर रहा है, और पूर्ण राज्य नहीं बन सकता ये नहीं. चलो आपसे जानेंगे क्या लगता है कि इंडिया का मूड क्या है, दिल्ली का मूड क्या है? दिल्ली से पहले 7 सीटों बीजेपी की रही है, क्या इस बार वही आंकड़ा दिल्ली में कायम रहेगा या कुछ तब्दीली आएगी? क्या लगता है आपको? मैक्सिमम सीटें तो बीजेपी की आएगी, अगर क्योंकि 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया है. अगर 2 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता तो शायद पोजीशन चेंज हो जाती. लेकिन अगर यानी कि चलो ये भी अच्छा सवाल है, अगर मान लीजिए गठबंधन हो जाता तो आंकड़ा क्या रहता, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से 5-2 रहता फिर. नहीं बिल्कुल, अगर गठबंधन हो जाता तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहता. हमें लगता है 7 में से 3-4 सीटें इनको आती हैं, बैलेंस जाती गठबंधन को. दिल्ली के किन मुद्दों के ऊपर अभी तक आपके इलाकों में भी, आप शायद अलग अलग इलाकों से आए होंगे, आपके इलाकों में प्रत्याशी प्रचार कर रहे होंगे, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि इस बार आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही होगा कि मोदी को लग के आना है बस. मोदी फिर भी इस बार आपकी वोट किस मुद्दे को? अभी कुछ नहीं कह सकते इसमें. इतना आपकी वोट किस मुद्दे? देख, देश को अगर आगे लेके जाना है तो आपको एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए.
जो कि इम्प्लीमेंटेशन करवा सके, सारी चीज़ों को लागू करवा सके, तो उसमें मोदी इज सक्सेसफुल। और कोई नेता ऐसा नहीं जो कि नीतियों के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। उसका उदाहरण है GST, उसका उदाहरण है नोटबंदी। आप खुश है नोटबंदी से? नोटबंदी इज गुड, हाँ, टाइम बींग के लिए प्रॉब्लम भाई है, लेकिन लॉन्ग रन में फायदा है इससे। आप खुश है नोटबंदी से? बिल्कुल खुश है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हर एक कानून को लागू करने में आती है। क्या हम पहले टाइम पे गैस की लाइन में नहीं लगते थे, राशन की लाइन में नहीं लगते थे? अरे एक बार पर GST बढ़ गया, आप हर चीज के 18% या 20% ज्यादा दे रहे हैं। आपकी जेब से ज्यादा नहीं, कहाँ जा रहा है? फ्री है, बहुत सारी फ्री है चीजें। कितना है GST? कितना है? बहुत सारी चीजों में फ्री है आजकल तो। अब पहले हम 25% देते थे, पहले तो आप 35% का देते थे, अब एक लिमिट आ गई, एक कैप आ गई। नहीं, सही है। एक्चुअली अपने को देश के लिए तो स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, और जो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है, हमें जो दुश्मनों से बचाता है, तो हमें ऐसे लीडर को वोट देना चाहिए। एंड आई सपोर्ट टू BJP। ओके, BJP को वोट देने वाले हैं। और भी दिल्ली के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार आपका वोट किस मुद्दे पर होगा? पॉल्यूशन तो मेन है यहाँ का, दिल्ली का, तो मैं चाहूँगा लोग इसको ध्यान में रखें और जो पार्टी पॉल्यूशन पे काम करे उस पे वोटिंग करे। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस पे काम कर रही है? अभी तो किसी के एजेंडे में दिख नहीं रहा है ये, और ना कुछ ऐसा रूल कोई भी लेके आ रहा है कि जिससे थोड़ा ट्रैफिक कम हो, जिससे थोड़ा सफाई वगैरह पे भी फोकस हो। डस्ट बहुत है यहाँ पे, सो यही सब है। क्या लगता कौन आएगा इस बार, आपको क्या लगता है? ये तो बस वोट रियलिटी बताएगा कौन आएगा, बट मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग लग रही है कांग्रेस की, ठीक लग रही है इस टाइम कांग्रेस की लग रही है। पहले अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस दिल्ली में बिल्कुल जीरो पर थी, 7 सीटों में भी जीरो, विधानसभा में भी जीरो। क्या लगता है कि कांग्रेस अपने आप को दोबारा जो है दिल्ली में ला पाएगी, दोबारा अपना खाता खोल पाएगी? हाँ, ऐसा लग तो रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि MP में जैसे कांग्रेस आई और गठबंधन आया, इस तरह 4-5 स्टेटों, हाँ 4-5 स्टेट में आई, इस तरह से लग रहा है कि कांग्रेस के आने के चांसेस है। और आजकल जैसा आप देख रहे हैं, मैं एक युवा हूं और एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा देखता हूं, तो इस हिसाब से देखता हूं कि मुझे इस जो सरकार BJP की सरकार है, इससे इतना कुछ नहीं दिख रहा एम्प्लॉयमेंट। अच्छी बात है कि एम्प्लॉयमेंट की अपने बात खुद की है। एम्प्लॉयमेंट, आप भी आ जाए सर, इधर पास में आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करना चाहेंगे। कहा गया है कि भी नौकरियां, और ये ना रीत रही है, हर सरकार जब आती है ना अपने इलेक्शन वादों में एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, पर मिलता हमेशा ही है कि किसी को कुछ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, पर वो कह देते कि हमने थोड़ी थोड़ी लाख जॉब जो दी है, ऐसा कुछ। क्या लगता है कि इस बार जब मोदी सरकार थी, एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली, क्या आपको लगा कि नहीं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ज्यादा हुआ है एम्प्लॉयमेंट को लेके, बट हर बार सरकार यही वादे करती कि हम ये देंगे वो देंगे, बट नहीं दे पाती ऐसा। हम तो नॉर्मल हैं, बट जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि किसान लोग हैं वहाँ, उन लोगों को बेचारों को कुछ नहीं मिल पा रहा। हम तो नॉर्मल अपनी लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं, ठीक है, हम आते हैं ऑफिस अपना, जो भी हम करते हैं और चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि मतलब जो राइस है या गेहूँ है उनको क्या चल रहा है, किसान ही मतलब फेस कर रहे हैं इस फेस को। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, 67 सीटों का उनका आंकड़ा रहा था विधानसभा के अंदर, इस बार क्या लगता है कुछ कर पाएगी? हाँ, शायद वो जो मिडिल लोअर क्लास है वो उनके साथ है जनरली, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल में काफ़ी काम हुए हैं, स्कूल्स को लेकर काफ़ी हुआ है, तो जिनको फायदा हुआ है तो जाहिर सी बात है वोट करेंगे उनको वोट। ओवरऑल क्या मूड लगता है आपको ऑल ओवर इंडिया का? ऑल ओवर इंडिया सरकार बनती थी, रिश्तेदारों से बात तो ऐसा कुछ नहीं है रिश्तेदार। मुझे लग रहा है थोड़ी साइलेंट वोटिंग हो रही है, किसी के पास जोश नहीं है। जैसे ये सही बात, लास्ट टाइम हम खुद ही कैंपेन करते थे, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे करते चाहे दिल्ली में, अगर वैसे देखा जाए ग्लोबल पे तो मोदी जी का था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का था, बट इस टाइप का कोई क्रेज नहीं है, सब साइलेंट वोटिंग हो रही है और लोग फिर अपना अपना मुद्दा सब अलग अलग है, सोचते हैं कि मैं किस पे वोट करूँ, तो इसलिए थोड़ा शांत हैं लोग। अच्छा, स्टारों को बहुत इस बार लाया गया दिल्ली के अंदर, चाहे गौतम गंभीर की बात करें, हंसराज हंस की बात करें, मनोज तिवारी भी एक स्टार ही हैं, पहले थे, पहले भी लड़े थे और फिर से लड़ रहे हैं, मतलब कि दिल्ली की राजनीति में एक, और विजेंद्र कुमार सबसे बड़ा है ना, यानी कि 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो या तो फिल्म जगत से या स्टार से या गायकी से कलाकारी से रिश्ता रखते हैं। लगता है कि कुछ लुभा पाएंगे लोगों को? पता नहीं, बट इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वोटिंग का भी नहीं पता,
अब जैसन ने बोला कि साइलेंट वोटिंग, फैंस तो हर किसी के होते हैं, हर किसी के फैन होते हैं, वो फैन वोट करेगा उनको? हाँ, फैन से कितना तो काफी फर्क पड़ता है, ऐसा लिबर्टी से किसके फैंस को सपोर्ट करते हैं कि वो जिस वे में जा रहा है उसी वे में, तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि मतलब। थैंक यू, थैंक यू। दिल्ली के लोगों नाल गल करांगे, जिथे आम लोगों नाल गल कीती है, देख रहे जेडे कॉमन लोग ने, गरीब लोग ने, जेडे रिक्शा चलांदे ने या ऑटो चलांदे ने, उन्हां दा की मोड़ा? आपका नाम? निरपत माझी। क्या कहेंगे इस बार कौन जीतेगा? केजरीवाल। केजरीवाल जीतेगा? हाँ जी। आप केजरीवाल को देंगे वोट? हाँ जी। क्यों देंगे? मुद्दा? सरकार अच्छा है, हर चीज का फायदा होता है, वो कमेटी वाला परेशान नहीं करता, पटरी वाला को कोई परेशान नहीं है। हाँ जी, मोदी मोदी के बड़े गुणगान हो रहे हैं, आधे लोगों से पूछे। वो तो विदेश जाता, वो अमेरिका जाता, हवाई जहाज में उड़ता रहता, गरीब को कोई ख्याल थोड़ी करता, गरीब के लिए कोई ध्यान नहीं है। बहुत लोग मोदी का नाम ले रहे हैं। वो पैसे वाला पार्टी है, वो काला धंधा का पैसे मिलता है उनका, तभी वो उसके नाम लेता है। और भी कुछ लोग थे यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ ऑटो वाले हमारे भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जनाब? जनाब मैं तो दूंगा जो है मोदी को, और मोदी बहुत अच्छा अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपना छठवां नंबर पे देश पे है, और मोदी को ही देंगे वोट। okay, मोदी को ही देंगे? क्यों, किस मुद्दे पे देंगे आप वोट? बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं मोदी। आपको, आप किसको देंगे? मोदी को। अच्छा, क्या लगता है किस मुद्दे को वोट जाना चाहिए अगर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप आइए। किस मुद्दे को वोट जाना चाहिए यहाँ पर? सर, मुद्दा जो है ना हमारा, वो राजनीति में जो कांग्रेस है ना, वो सत्ता के लिए लड़ रही है। जो हमारे भाजपा की सरकार है, वो अब ये मान लो 5 साल हमारे मोदी जी को पूरे होने वाले हैं, उन 5 सालों में कभी हमारी जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं उनकी संपत्ति देख लो, और हमारे जो मोदी जी हैं उनकी संपत्ति देख लो, आज भी वो 50 गज के मकान में रह रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की जो जनसंख्या, मतलब वो तो बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हैं 50 गज में मकान में। नहीं, वो तो सरकारी है ना, फिर भी सर 100 बात एक बात ये कहना है कि मोदी जो है ना हमारे देश के लिए और हमारे जो हित है किसानों के लिए, हर चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी। क्यों? लास्ट हित, जो काम मोदी जी ने किया किसी ने नहीं किया, ना किसी में ताकत है उस काम को करने की। ऐसा क्या काम? कोई भी काम है, आज आप वहाँ देख लीजिए, कश्मीर में पत्थरबाज गायब है, आपने कितने दिन से न्यूज देखी, आप न्यूज वाले हैं, आपने कितने दिन से न्यूज देखी है पत्थर की, कि पत्थर फेंके जा रहे हैं सेना पे? वो तो वहाँ पर तो ब्लास्ट भी हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं, पहले पत्थर फेंके जाते थे, अब तो बम फेंके जा रहे हैं। इतना नहीं, आतंकवादी कितने मारे जा रहे हैं अब, पहले कितने मारे जा रहे थे, अब कितने मारे जा रहे हैं? पहले भी मरते थे? नहीं, इतने नहीं, ऐसा नहीं था। मैं दस साल से एक बार पहले सेना को कार्रवाई करने पे जेल में डाल दिया जाता था, कंडलपुरी वो जेल में, अब उनकी रिहाई हुई, उनके साथ 5 लोगों की रिहाई हुई है, वो मोदी सरकार ने करवाई है। तो देश का सैनिक है वो हमारी रक्षा के लिए, और उसे ही जेल में डाल दिया जा रहा है, ये क्या तरीका है? 2010 में कांग्रेस ने 5 हमारे जवानों को और एक कर्नल को जेल में डाल दिया था, वो अब रिहा हुए हैं। 2015 में मोदी जी ने उनके लिए करा और अब जाके वो रिहा हुए हैं। दिल्ली में क्या लगता है, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? सबकी समस्याएं हैं, समस्याओं का सभी, जो हमारे देश के जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कर दिखाया जो आज तक पहले कभी हुआ नहीं। सबसे बड़ी देश हमारे जो जनता की जो समस्या है, वो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज जो लोग अनजान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश की समस्या क्या है। आज पढ़े से पढ़ा जो लोग समझदार है, वो समझ रहा है कि हमारे भविष्य, आने वाले समय में हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आज जैसे पप्पू तो आपने सुना ही होगा, जो पप्पू क्या है, जिसे बात करने का तहजीब नहीं है, समझ नहीं है, वो देश को क्या चलाएगा? लोगों की समस्या का पता नहीं, लोगों के मन का पता नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। बच्चों से खेलना, तरह तरह की बातें करना, GST को गब्बर सिंह टैक्स बता के बोलने, गब्बर इनके GST के बारे में पता ही क्या है, एक खिलवाड़ बना के रख दिया है किस चीज को। आपको क्या लगता है जनाब, इस बार कौन, किसको आपकी वोट जाएगी, किस मुद्दे को जाएगी? मेरी तो वोट वैसे किसी को जाएगी नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर रही है। आप नोटा को वोट देंगे? हाँ जी। अच्छा, क्या बात है। चलो, ये भी एक बड़ी चीज है, अभी तक कोई कांग्रेस, कोई केजरीवाल, कोई मोदी कर रहा था, ये जनाब है ये कह रहे कि भाई हम नोटा, क्योंकि नोट एप्लीकेबल, एक ये भी एक कॉलम है, यह भी एक कॉलम है कि अगर आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते, आप उस पर सेलेक्ट कीजिए कि नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। क्यों लगता है आपको कि कोई भी कैंडिडेट आपके वोट के लायक क्यों नहीं है? सर, अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला भी नहीं है किसी भी पार्टी से कि कोई यूथ के लिए या फिर नौकरी किसी भी फैक्टर में कोई कामयाब नहीं नजर आ रही है कोई भी पार्टी।
जी, तो इसलिए मैं नोटा को वोट दूंगा। जी नोटा को वोट करेंगे। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना। बोले।